अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरे साथ में एक ऐसा होनहार, काबिल और मेहनती एक किसान जुड़ा है। देखने में बहुत सादा और सिंपल आपको नज़र आ रहा है। ये तो आपने देखा है कि आजकल बेरोजगार बहुत ज़्यादा डोलता है। लोग सोचते हैं कि पैसा कहाँ से कमाएं, कैसे कमाएं, रोजगार नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई साधन नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर इंसान दिल से मेहनत करे तो सब कह सकता हूँ कि इनके पास कोई प्रॉपर्टी अभी नहीं है और इन्होंने कोई प्रॉपर्टी या ज़्यादा ज़मीन ना होने के बावजूद भी 70 मन नाज इन्होंने दूसरे के खेत काट करके इकट्ठा किया है। तो ये कितनी बड़ी बात, मतलब आज एक ज़मींदार जिनके पास एक दो किले होते हैं उनके पास 70 मन नाज नहीं होता, लेकिन इन्होंने बगैर खेत के, बगैर बीघा के, बगैर किला के 70 मन नाज अपनी मेहनत से इकट्ठा किया है। तो वो आज जानेंगे इस किसान भाई से। बार, हाँ, दस बार किला काटे जी। अच्छा, कितने लोग थे आप जो लाउन करते थे? लाउन करते तीन है जी। अच्छा, तीन करते थे? तीन करते। तीन में तीन आदमी है। लगभग 12 एकड़ जमीन की फसल इन्होंने काट करके साबित किया है कि आज के जमाने में इंसान दिल से मेहनत करे तो कोई भूखा नहीं मर सकता है। कैसा लग रहा है आपको? मतलब बढ़िया लग रहा है जी। बढ़िया लग रहा है जी। जब आप 20-30 हज़ार रुपए कमाते हैं महीने में डेली से, जी, इतनी पचन करने की क्या जरूरत है आपको? इतने मेहनत की आपने भीषण गर्मी में जी। 12 कन को मतलब साल भर दान करो जी। शौक था आपका? हाँ, शौक। मैं काट कर देखा मैं कितने काट सके जी। अच्छा, मतलब मेहनत की जो कमाई है वो आपको बहुत अच्छी लगती है? हाँ, बहुत अच्छी लगती है। अब काट कर देखा मैं कि काट कर जब मेहनत 12 कन लू मेहनत काट कर जब काटी जी मैंने। तो दोस्तों देख लो, बहुत सारे ऐसे आज के जमाने जो दिन भर गलियों में निठल्ले डोलते हैं, घर में झगड़ा करते हैं, बीवी को पीटते हैं और घर में आटा तक नहीं होता है, चोरी चकारी करते हैं। ऐसे में उन लोगों को ये सबक है भाई उमरदीन से, जो कि एक किसान है मेरे गांव के, जो वैसे 20-30 हज़ार रुपये की नौकरी भी करते हैं, उससे हट करके अगर ज़मीन अपने पास नहीं है तो मैंने बताया ज़मीन इनके पास है लेकिन अभी इनके पिताजी के अंडर में है, तो वो बेचारे जब सारे बच्चे अलग होंगे तो इनको भी देंगे। तो फिलहाल ज़मीन ना होने के कारण इन्होंने 60 से 70 मन नाज इकट्ठा किया है। तो कितनी बड़ी बात है। तो जो लोग ऐसे ही निठल्ले घूमते हैं, आवारा चुरी खाते हो, तो उनको क्या मैसेज दोगे आप? उसको कमाना चाहिए जी। वह जब दारू पीता है या जो खेलता है उसको कुछ भी करता है, कमाना चाहिए। जैसे हम आपका हम कमाता है ऐसे कमाना चाहिए, मेहनत से जी। मेहनत से कमाना चाहिए। तो जो 70 मन नाज आपने लिया वो घर में भर दिया? घर में टंकी में भर दिया जी। वह बच्चन के लिए भैंस रखे थे? हाँ, भैंस लेंगे जी। भैंस की मार कर आज हमने, वो अभी जब भी बटा देंगे जब आ जाएगी तो मेहनत से कमाएंगे हम। मतलब आप अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहते? हाँ, अपने माँ बाप सुना कहता जी। तो आपने देखा और सुना, ये मेरे पैतृक गांव बीसरू से उमरदीन है, एक छोटे से किसान है और छोटे से मुलाजिम भी है। लेकिन उनकी जो बड़ी बात जो मैं दिखाना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ कि 20-30 हज़ार रुपये सैलरी मिलने के बावजूद इनके पास अगर खुद की ज़मीन नहीं थी तो इन्होंने दूसरे की ज़मीन काट करके और मेहनत से रोजी रोटी कमाई है, 60 से 70 मन नाज इकट्ठा किया है, वह एक हलाल रोजी। और जब हलाल रोजी को बच्चे खाएंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, ईमानदार होंगे। और बहुत सारे लोग निठल्ले होते हैं, चोरी चकारी करके घर में नाज भर लेते हैं और घर का काम उनपे होता नहीं है। मेहनत की कमाई पर भरोसा रखिए, सुख शांति से जीवन में रोटी खाएंगे और खुशहाल रहोगे। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।